The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. जितने लोग सिगरेट बीड़ी तंबाकू खाते हैं पीते हैं उनको ये जानकारी होना बहुत अति आवश्यक है कि उनके शरीर में उस धुएं से उस टोबैको से उसके अंदर प्रेजेंट केमिकल से निकोटीन से क्या हो रहा है क्यों हो रहा है उनके हार्ट के कैंसर के लंग डिजीज के सीओपीडी के अस्थमा के बीमारियों के इंफेक्शन के रिस्क कब बढ़ते हैं क्यों बढ़ते हैं एक बार सिगरेट पी लेने से कैंसर नहीं हो जाएगा एक बार एक सिगरेट पी लेने से कुछ नहीं होगा यह ऑब्वियस ही बात है लेकिन मानते तो ऐसा सबसे है लेकिन फिर भी कुछ लोगों को एक बार सिगरेट पीने से भी ब्रोंकोस्पाजम हो सकता है अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं सही वक्त पे ट्रीटमेंट ना मिले रिलैक्सेशन ना मिले तो जान भी जा सकती है तो स्मोकिंग या सिगरेट अपने आप में एक के लिए डिफरेंट लेवल की डेंजरस हो सकती है अब लोग इसको डिपेंडेंसी में भी पीते हैं इतना पीते हैं इतना पीते हैं टोबैको डिपेंडेंस, तंबाकू खाना उस पर डिपेंडेंसी हो जाती है तंबाकू सिगरेट पीना बीड़ी पीना उस पर डिपेंडेंसी हो जाती है ना दिस डिपेंडेंसी ये खुद टोबैको के वजह से नहीं उसमें प्रेजेंट निकोटीन के वजह से हो सकती है निकोटीन इज समथिंग जिसको आप बंद नहीं कर सकते आपके आपको उसकी क्रेविंग होती है राइट इतनी कि आप उसको उस, अपने आप को हाम करने लग जाओ ऐसी क्रेविंग सो यहां पर निकोटीन आपको फिजिकल और मूड altering इफेक्ट करता है ब्रेन में जो आपको टेंपरेरली प्लीज करता है लेकिन इसी के वजह से आप बार-बार डिपेंडेंट हो जाते हो और जब आप छोड़ देते हो तो विड्रावल इरिटेबिलिटी और एंजाइटी और दिक्कतें आती राइट सो स्मोकिंग के अंदर और निकोटीन के अलावा और बहुत सारे बहुत सारे केमिकल्स हैं सात हजार से ज्यादा कार्सिनोजेंस हैं लिटरली इतने सारे कार्सिनोज इतने सारे कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट्स कि आपको कैंसर होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे जितने टाइम जितना रेगुलर आप स्मोकिंग कर रहे हैं लेकिन अगर हम बात करें हार्ट की तो स्मोकिंग ऑब्वियसली बात है पूरी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ा देगा आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन कम कर देगा आपके आपके खून की नसों में आपके ये जो ब्लड वेसल्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट डैमेज वो वहां करता है आपके हार्ट के ऊपर आपके ब्लड वेसल्स के ऊपर आपकी इम्यूनिटी के ऊपर सब जगह स्मोकिंग का जो केमिकल्स हैं जो उसके निकोटीन है जो उसके अंदर कार्सिनोजन है मात्र लिटरली सिर्फ धुआं भी अंदर जाए तो भी डैमेज करेगा उसमें तो और सारे केमिकल्स भी हैं सो so, धुआं वो जो अंदर जाता है ना सोचो कितने लेवल पे वो डैमेज करेगा नंबर वन लेवल आपके लंग्स को डैमेज करेगा ये भी हार्ट पे रिलेटेड करता है क्योंकि अल्टीमेटली लंग और लंग्स और हार्ट तालमेल में काम करते हैं। लंग्स ऑक्सीजन लेके हार्ट को देता है हार्ट पूरे शरीर को पंप करता है फिर हार्ट लंग्स को गंदा यानी बिना ऑक्सीजन वाला खून देता है लंग्स ऑक्सीजन भर के धुआं है। so, है, लेते हैं डैमेज टू द ब्रक्यूल्स जो पाइप लाइन है एलवीओलाए जो गुब्बारे हैं और गुब्बारे और पाइपलाइन के अंदर जो खून की नसें हैं वहां तक डैमेज होता है वो खून की नसों में इलेक्ट्रिकल नसें और गुब्बारे का जो पर्मिएबल सेमी पर्मिएबल लेयर है वो रफ होता जाता है हार्ड हो जा जाता है लिटरली उनकी इलास्टिसिटी कहीं भी कहीं भी धुआं छोड़ते जाओगे वो एरिया सूख के कड़क होता जाएगा सिंपल चाहे धुआं अपने चेहरे पे मार के देख लो चेहरे पे मार के देख लो रोजाना जितने टाइम सिगरेट पीते उतने टाइम धुआं मारते जाना यहां भी काला होता जाएगा यहां भी कड़क होता जाएगा देखते जाओ तो अंदर भी जहां जहां पे ये धुआं जाता है वो पूरा एरिया कड़क होता जाता है वो एरिया की इलास्टिसिटी खोती जाती है और जो उसके वजह से केमिकल्स आपके खून में जाते हैं वहां से लंग्स से केमिकल डायरेक्ट खून में जाते हैं वहां से डायरेक्ट हार्ट में जाते हैं वहां से डायरेक्ट पूरी बॉडी में जाते हैं दैट इज द डेंजरस पार्ट क्योंकि यहां पर कोई लिवर में जाने वाला काम नहीं हो रहा कोई डिटॉक्सिफिकेशन को लिवर डिटॉक्सिफाई करता है नो जी दारू पियोगे दारू लिवर में जाएगी पी के पेट से लिवर में जाएगी लिवर में लिवर की एक क्षमता है एक घंटे में एक पैग फिर भी वो डिटॉक्सिफाई कर सकता है उसके ऊपर पियोगे तो वो चढ़ भी जाएगी और डैमेज भी करेगी लेकिन स्मोक का कुछ नहीं स्मोक कहीं भी आई कहीं से भी आई डायरेक्ट डैमेज करेगी तो इसीलिए सिगरेट बीड़ी तंबाकू बहुत ही खराब है पीना ही नहीं चाहिए करेगी क्या हार्ट की खुद की कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रॉब्लम करती है डायस्टोलिक डिस्फंक्शन हार्ट में डैमेज रिलैक्सेशन एबनॉर्मलिटी आपके हार्ट के अंदर प्रेशर्स लंग के अंदर प्रेशर्स लंग के अंदर प्रेशर बढ़ते हैं तो हार्ट के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है इनडायरेक्ट बिकॉज हार्ट लंग से प्रेशर जो प्रेशर ब्लड आना है

टेन टाइम्स ऑफ वॉट इट वुड हैली जस्ट थिंक अबाउट गैस पाइप विच इज के जो गैस का पाइप होता आपको, है आपको चूल्हे वाला दिखाया कि नहीं देखा चूल्हे वाला गैस का पाइप इट इज जस्ट कैरिंग गैस नथिंग एल्स इट्स नॉट अ हॉट गैस वहां पर हॉट तो वो बाद में आके जब सिकी पर गहत तो होती वहां होती है लिटरली सिर्फ गैस है फिर भी वो गर्म के आसपास है सो so, गर्म भी है वहां भी है उस उस पाइप की हालत देखी होती थोड़ी थोड़े दिन में कैसे हो जाती है क्रैक से भरा हुआ रबर सो दैट्स व्हाट हैपनिंग टू योर खून की नशें इलेक्ट्री सांस की नसें व्हेन यू आर स्मोकिंग एंड स्लोली स्लोली उसके अंदर इतने क्रैक्स होते हैं इतने क्रैक होते हैं कोलेस्ट्रॉल भी कंफ्यूज हो जाता है कि यहां जमा हूं कि वहां जमा हूं और पूरी जगह कोलेस्ट्रॉल भरा होता है भरा होता है कोलेस्ट्रॉल अकेला नहीं है याद रखिए ये नहीं कि कोलेस्ट्रॉल कम है तो नहीं जमा होगा फिर भी जमा होगा प्लेटलेट जमा होंगे वहाँ पे आपके प्लाक बनेगा और प्लाक्स धीरे धीरे खून की नसें छूटी करता जाएगा और आप मोटे भी होंगे या कोई भी दूसरी एक आधी साइड एक आधा रिस्क फैक्टर होगा फैमिली हिस्ट्री राइट ड्रिंकिंग ओबेसिटी गलत डाइट जंक फूड सो यू विल हैव अ हार्ट अटैक कैंसर तो भाई साहब एक उम्र के बाद होना है जो होना है यू विल गेट अ हार्ट अटैक अर्ली इन योर थर्टी फोर्टी फिफ्टीज इफ यू आर स्मोकिंग डेली और इवन इफ यू आर स्मोकिंग रेगुलरली वंस अ वीक राइट डैमेज इज डैमेज एक बार कर लिया उतना नहीं कुछ होगा बट होगा होगा फिर भी होगा सो स्मोकिंग इज बैड देर इज नो डाउट अबाउट इट एंड स्मोकिंग विल किल यू ऑफ हार्ट अटैक और कैंसर और विल डिबल यू डिसेबल यू ऑफ डूइंग वॉट यू कुड है भाग नहीं पाओगे उतना जितना भाग सकते थे लंग्स की क्षमता खत्म हार्ट की क्षमता कम लंग्स और हार्ट ऑक्सीजन नहीं पहुँचा पाएंगे मसल गेन नहीं होगा मसल ग्रो नहीं होगा आगे चल के जब बुढ़ापे में ना मसल रहेगी ना कुछ न बोन बोन नहीं मसल नहीं बाकी सब जगह पे खून की सप्लाई कम हो जाएगी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते नहीं होगा क्योंकि हार्ट खून की नसों की इलास्टिसिटी ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती यू वॉन्ट हैव द इलास्टिसिटी यू वॉन्ट प्रेशर कंट्रोल दवाइयां बढ़ती जाएंगी लेकिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा सो इट्स अ बैड इट्स नॉट जस्ट बैड इट इज द वर्स्ट थिंग विच यू कैन डू टू योर बॉडी एंड योर फैमिली इफ यू स्मोक कृपया बंद कर दीजिए हार्ट अटैक आएगा पक्का आएगा लिखित में देता हूं लिखित में देता हूं और बोलिए सो दैट्स ऑल फॉर टूडे प्लीज डू शेयर दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज यू कैन आस्क मी एनी टाइम आस्कनी